Hello viewers, assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. In this video I am going to tell you about advanced English vocabulary which is essential for enhancing one's communication skills and expressing nuanced ideas with precision and sophistication. Number 1, mountain. Pahar, as you can see in the picture. Number 2, hill. Pahari, jo kam buland ho wo pahari aur jo zyada buland ho wo pahar. Number 3, save your breath. It's an idiom. Bekar baatein na karo. Number 4. Cauldron. 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 Deeg. Number 5. Rill. 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 Choti nadi. जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. नंबर 6, ripe, 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 पका हुआ, जैसे पके हुए आम. नंबर 7, raw, 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 कच्चा, जैसे कि कच्चे आम या केरी. नंबर 8, shepherd, गडरिया यानी बकरियां चराने वाला. नंबर 9, एलियस, उर्फ, जैसे शहजादा सलीम उर्फ शेखू. नंबर 10, एम्बर्स, EMBERS, एम्बर्स, अंगारे, लकड़ी या कोयले के सुलगते टुकड़े. नंबर 11, गून, GOON, गून, गुंडा, गुंडा, बुद्धू और बेवकूफ को भी गून कहते हैं. ठीक है, बुद्धू और बेवकूफ को भी गून कहते हैं, as shown in the picture. नंबर 12, sieve, 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 छलनी. नंबर 13, miser, 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 कंजूस को माइजर कहते हैं. नंबर 14, इंसैनिटी मींस पागलपन, जिसमें दीवानापन भी होता है उसको इंसैनिटी कहते हैं. नंबर 15, यैपिंग, YAPPING, यैपिंग, बकबक करना या बहुत ज़्यादा बातें करने को यैपिंग कहते हैं. नंबर 16, डिटो, DITTO, डिटो, यानी एग्जैक्ट कॉपी कह लें, की तरह, जैसे कि पिक्चर में एग्जैक्ट कॉपी दिखाई जा रही है ना. नंबर 17, टाइकोन, TYCOON, टाइकोन, बड़ा ताजर, बड़े ताजर को टाइकून कहते हैं. नंबर 18, हिंज, HINGE, हिंज, कब्जा, यानी दरवाजे वगैरह के कब्जे को हम हिंज कहते हैं. 19, लैच, LATCH, लैच, लैच मींस कुंडी, दरवाजे की कुंडी को लैच कहते हैं. नंबर 20, थिक स्किन्ड, THICK, थिक, SKINNED, थिक स्किन्ड. थिक स्किन मीन्स ढीठ या बेहिस, ये एक idiom है. 21, टू फेस्ड, TWO2FACED, टू फेस्ड मीन्स दोगला या मुनाफिक, जिसके टू फेसेस हों उसको कहते हैं. नंबर 22, पिग हेडेड, PIGHEADED, पिग हेडेड मीन्स खर दिमाग,
यानी जिसके पास कोई दिमाग ना हो उसको पिग हेडेड कहते हैं। हेयर रेजिंग, हेयर रेजिंग मीन्स सनसनी खेज, सनसनी खेज। नंबर 24, स्टोनी, स्टोनी ब्रोक, स्टोनी ब्रोक मीन्स कंगला, जिसके पास कोई फैनी ना हो। नंबर 25, इनोसेंट, INNOCENT मासूम, मासूम को इनोसेंट कहते हैं। नंबर 26, केयरफ्री, केयरफ्री बेफिकर, लापरवाह या बेफिकर को केयरफ्री कहते हैं। नंबर 27, कैंडिड, कैंडिड CANDID साफ को या साफ दिल को कैंडिड कहते हैं। 28, स्निचर, SNITCHER स्निचर मीन्स चुगलखोर, चुगलियाँ लगाने वाले को चुगलखोर कहते हैं। नंबर 29, मैग्नानिमस, मैग्नानिमस MAGNANIMOUS NIMOUS मैग्नानिमस। वसीउल क़ल्ब मीन्स दुश्मनों के साथ भी सखावत, अफू और रहमदिली दिखाने वाला। 30, बोन सेटर, बोन सेटर हड्डी बिठाने वाला, यानी जो हड्डी बिठाने वाला होता है उसको बोन सेटर कहते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। नंबर 31, क्रिंकल, CRINKLE क्रिंकल कपड़े या कागज़ के शिकन को क्रिंकल कहते हैं, यानी जो भी कागज़ वगैरह पे सिलवट हो उसे क्रिंकल कहते हैं। नंबर 32, फ्राउन, फ्राउन FROWN फ्राउन पेशानी के शिकन को फ्राउन कहते हैं, यानी आपके फॉरहेड पे कोई शिकन हो तो उसे फ्राउन कहते हैं। नंबर 33, स्कम, SCUM स्कम मीन्स मैल। नंबर 34, स्टेंच, स्टेंच मीन्स बदबू, किसी भी किस्म की स्मेल को स्टेंच कहते हैं। नंबर 35, डस्ट, DUST डस्ट धूल मट्टी को डस्ट कहते हैं। नंबर 36, सियस्टा, सियस्टा मीन्स कैलुला या दोपहर की नींद को सियास्टा कहते हैं। नंबर 37, हॉपस्कॉच, हॉपस्कॉच मीन्स पहल दूज, एक ऐसा ट्रेडिशनल गेम जिसमें ज़मीन पर लकीरें डालकर फिर उस गिर्द गिर्द खेला जाता था, उसको हॉपस्कॉच कहते हैं। 38, ब्रिंग, PRING ब्रिंग लेते आना, मीन्स किसी चीज़ को ले कर आना। नंबर 39, फेच, FETCH फेच मीन्स जा कर ले कर आना, किसी भी चीज़ को जा कर अगर लाया जाए तो उसके लिए हम फैच का वर्ड यूज़ करते हैं, राइट। नंबर 40, प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट मीन्स हाजिर या मौजूद, ये तो एक प्रेजेंट की मीनिंग है कि हाजिर या मौजूद। नंबर 41, प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन्स एक तो था हाजिर, दूसरा है तोहफा, इसके मीनिंग्स तोहफा के भी होते हैं। नंबर 42, प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट प्रेजेंट, और एक प्रेजेंट की मीनिंग्स पेश करना के भी होता है, यानी आप कोई चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो। नंबर 43, टिप कैट, टिप कैट मीन्स गिल्ली डंडा, ये भी एक ट्रेडिशनल गेम हुआ करता था जिसमें सिर्फ एक स्टिक और छोटी सी स्टिक से खेला जाता था। नंबर 44, मार्बल्स, मार्बल्स MARBLES मार्बल्स मीन्स कंचे, ये एक ट्रेडिशनल गेम था जिसमें बहुत सारे कंचे और मार्बल के पीसेस से खेला जाता था, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है मार्बल के पीस से खेलते थे। नंबर 45, डैनर, डैनर मीन्स ये एक वो ट्रेडिशनल गेम है जिसको खो खो कहा जाता है, इसमें भाग भाग कर एक दूसरे को पकड़ा जाता है।
इसी तरह के और बहुत से ट्रेडिशनल गेम्स हैं जिनकी और वोकैबुलरीज भी मैं आपके साथ ज़रूर अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।